विदिशा के समीप दाऊद बसुदा में तीन युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घर जाकर भोजन के लिए तीनों को बुलाया था और जैसे ही तीनों युवक घर पहुंचे उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई, जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई। ब्यावरा नगर पालिका परिषद में काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका परिषद ब्यावरा के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों को सेवा अवधि में आकस्मिक मृत्यु के पश्चात भी उनके परिवार के लोगों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। नियमित कर्मचारियों का अंशदान के कटौत्रा का पूर्ण रिकॉर्ड संबंधित कर्मचारियों को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। डेली विजुअल्स के कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती का रिकॉर्ड में भी घफला किया जा रहा है, जिसका रिकॉर्ड कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार 10 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाए। नगर पालिका ब्यावरा में सफाई कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। कचरा गाड़ी में ड्राइवर के पद पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाए, जैसी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। ये हमने नगर पालिका सीईओ साहब को अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया है निम्नलिखित 6 मांगों को लेकर। उसमें मुख्यतः हमारे जो अनुकंपा नियुक्ति संबंधी है, अनुकंपा नियुक्ति हमारे कर्मचारियों की नहीं हुई है, उन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जो परमानेंट नियमित कर्मचारी उनका अंशदान जो है उसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, उनका रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए। जो डेलीवेज के हमारे कर्मचारी है उनका ईपीएफ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका ईपीएफ काटा जा रहा कहाँ जा रहा इसका कोई पता नहीं है, उसका रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए। हमारे जो 10 साल पूर्ण हो गए जिन कर्मचारियों को सेवा देवते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनको नियमित करा जाए, मेमो 1,500 और 2,000 रुपये की क्रमांक के अनुसार राशि उनकी बढ़ाई जाए। कर्मचारियों के विरोध किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश जोशी अपने कैबिन से बाहर आए और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। वहीं कर्मचारियों को समझाइश देते हुए कहा कि कर्मचारी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो उसका जल्द निवारण किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश जोशी की समझाइश के बाद कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर 6 दिन के अंदर मांगे पूरी करने की चेतावनी दी। वहीं समय अवधि तक मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने काम के बहिष्कार की चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।